हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंदर कई बार आपको कंफ्यूजन होती है। अब कंफ्यूजन क्या है कि लेजर डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेजर किन परिस्थितियों में डिलीट नहीं होता है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार लेजर डिलीट नहीं होता है तो किन परिस्थितियों में डिलीट नहीं होता है, ठीक है। एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, ये तो आपको जिंदगी में कभी भी लेजर डिलीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक कंपनी पहले से है लेकिन हम एक नई कंपनी बनाएंगे, क्योंकि फ्रेश कंपनी में बना करके सीखेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर एक न्यू कंपनी मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल मेरा इंस्टीट्यूट है तो उसी के नाम से मां शारदा इंस्टीट्यूट, शारदा इंस्टीट्यूट, ये देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट का नाम है। एंटर किया और यहाँ पर न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हमारा लोकल एड्रेस है। तो यहाँ पर ये लोकल एड्रेस भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये डाल दिया। आप एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टेट की बात आती है, तो स्टेट यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे पिन कोड क्या है, तो मैं लोकल एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ। आपका जो भी पिन कोड होता हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब एंटर करके आते हैं, एंटर करते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी काम भी हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। एंटर कर दिया, इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब बारी है यहां पर जीएसटी को चालू करने की, तो इसके बाद सीधा हम जीएसटी चालू करेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। यहां पर देखिए इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको चालू रखना है, मेंटेन अकाउंट्स को चालू रखना है, इन दोनों ऑप्शंस को तो जरूर चालू रखिए, ठीक है। अब यहां से जीएसटी आप चालू कर सकते हैं टैक्सेशन वाले सेक्शन में आकर के। अगर आपको जीएसटी लगाने का ये है तो यहां पर आकर के यस कर दीजिएगा, यहां पर ये विंडो ओपन होती है। तो आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन डीलर हैं या जो भी है, लोकल सप्लायर, होलसेलर, सप्लायर जो भी है, तो रेगुलर हैं या कंपोजिशन, तो कंपोजिशन वाला हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल करेगा और रेगुलर वाला हर महीने जीएसटी फाइल करेगा। तो फिलहाल हम रेगुलर रख रहे हैं। एक एसीज ऑफ अदर टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के लिए इस ऑप्शन को यूज किया जाता है, थर्ड ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, तो इसको नो रखना है फिलहाल। जीएसटी 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम तो इसी दिन से शॉप खोल रहे हैं, इसी दिन से सारा काम शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर इसी दिन ये एप्लीकेबल होगा। और यहां पर आपका जीएसटीआईएन नंबर आएगा, तो जो भी आपका जीएसटीआईएन हो वो जरूर डाल दीजिएगा, एंटर करके आइए। यहां पे आप मंथली जीएसटी फाइल करते हैं या क्वार्टरली, तो फिलहाल हम मंथली ही फाइल करने वाले हैं। और एंटर करते हैं, यहां पे एचएसएन कोड और एसएससी कोड है, बाकी डिस्क्रिप्शन है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूं और सीधा आ जाता हूं यहां पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है, जो भी हम सेल कर रहे हैं। और यहां पर आपको एक बाय डिफॉल्ट चाहे तो जीएसटी लगा सकते हैं, कि अगर आपने अलग से जीएसटी रेट सेट नहीं किया किसी भी प्रोडक्ट पर, तो उस पर जो है आप 12% अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे 12% कर दे रहा हूं। और इंटीग्रेटेड टैक्स 12% है, तो स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स 6-6% के हिसाब से ये डिवाइड हो जाता है। एंटर करके यहां पर आएंगे और यहां पर इसको नो रखेंगे, ई वे बिल की अभी जरूरत नहीं। तो यहां पर आकर के और फिर देखिए ये जो ऑप्शन है इसको भी नो कर देते हैं, बाकी यहां पर इसको भी नो रखेंगे और बाकी सारे ऑप्शन, पेरोल की जरूरत नहीं अभी, तो पेरोल को भी नो रखते हैं और कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो यहां पर मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से एक हमारा ये जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बुक की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जाना है कौन से वाउचर में जाना है, हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हम कुछ फंड अपने यहाँ रिसीव करा देंगे तो उसी फंड से हम खरीद फरोख्त का काम करेंगे, यानी होलसेलर पार्टी से सामान मंगाएंगे फिर उसको लोकल सप्लायर को, लोकल पार्टी को सेल करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको आना है और यहां पर आकर के सीधा आना है एप्टिक्स, यानी रिसिप्ट वाउचर में आ गए। अब यहां पर आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट किसे करते हैं, तो देखिए यहां पर टेलीप्राइम में बड़ी अच्छी सुविधा है, यहां पर क्रिएट वाला ऑप्शन आपको नजर आ जाता है, तो इस पर सीधा क्लिक करिए, यहां पर आ जाएंगे। और जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब जरा सोचिए आपके पास कितने लेजर्स बने हुए हैं पहले से, तो इसके लिए पहले बाहर आना है, एस्केप बटन प्रेस करना है, बाहर आ गए। अब यहां पर आते हैं और देखते हैं कि लेजर्स का क्या स्थिति है, तो यहाँ पे अल्टर पे आएंगे और यहाँ लेजर्स पे आएंगे, तो दो ही लेजर आपको दिख रहे हैं, तो ये कैश है, तो कंट्रोल अल्ट डी करके हम डिलीट करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर इस लेजर को आप डिलीट कर देंगे तो फिर आपके पास कोई दूसरा, जैसे कैश का लेजर पहले से बना रहता है टैली में, जैसे मान लीजिए मैंने इसे डिलीट कर दिया और देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे तो अब आपके पास लेजर्स दिखेंगे नहीं। देखिए इस कंपनी में लेजर्स नहीं दिखेंगे, अब कैश वाला लेजर जो बना हुआ था वो यहां पर अब नहीं दिखेगा। तो आपके पास दो लेजर्स ऐसे होते हैं जो टैली पहले से आपको बना के दिया होता है, एक तो कैश है, ठीक है, और ये क्या होता है कैश इन हैंड होता है, कैश इन हैंड, ठीक है, इसका ग्रुप क्या होता है हमेशा कैश इन हैंड होता है, तो ये इस तरीके से रहता है और ये पहले से बना रहता है,
कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का, ये किसी भी कंपनी में पहले से बना रहेगा। ठीक है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो ऑल्ट डी करके डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी कोई एंट्री पास करी नहीं है, अब यहां से बी बटन प्रेस करके आ गए रिसिप्ट वाउचर में, और यहां पर ऑल्ट सी करके बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, और यहां पर ये रहेगा क्या, कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा। तो एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये हो जाता है एक्सेप्ट। अब बाकी कितना फंड लगा रहे हैं वो देख लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहां पर 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो यहां 5 लाख डाल दिया, और इसे मैं कैश में कर रहा हूं, तो यहां कैश कर दिया, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब देखिए ये भी एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ये लिखा हुआ आ रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। तो अभी हमारी डेट क्या चल रही है, 31 मार्च 2024 चल रही है, तो इसको चेंज करना है तो F2 करना होगा, और यहां पे करना होगा 1/4/2024। तो जैसे ही 1/4/2024 करते हैं तो ये फिर जो है वापिस बदल जाता है। तो आपको अब क्या करना है, पीरियड चेंज करना है। तो अल्ट F2 करिएगा, यहां से पहले तो बाहर आइएगा, और यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है आपको। तो 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 करना है यहां पे। तो ये जब हो जाएगा तब आप डेट को चेंज कर पाएंगे, तो F2 करके 1/4/2024 आप कर पाएंगे। अब देखिए ये चेंज हो गया, अब ये एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना चाहेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमने किन किन लेजर्स को बनाया, देखिए एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये देखिए इसमें आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैश का लेजर तो पहले से बना रहता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट का हमने यूज किया है एक जगह, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं परचेज वाउचर में। तो परचेज में जैसे ही हम आते हैं तो यहां पर ये इस तरीके का सिनेरियो दिखेगा, यहां पर आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। एंटर करके यहां पर आप कैश में सेल कर रहे हैं या जो है क्रेडिटर पार्टी के थ्रू जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अल्ट सी करिएगा, और यहां पर एक होलसेलर पार्टी बना रहे हैं, क्रेडिटर पार्टी जो की होती है, तो रितेश होलसेलर करते हैं, होलसेलर, ठीक है। तो ये हो गया रितेश होलसेलर, एंटर किया, और यहां पर इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्या होगा सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करिएगा। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, देखिएगा स्टेट सेम है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी ही अप्लाई होगा, ये भी चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। एंटर करिए, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, तो PURCHASE परचेज और A/C अकाउंट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट, तो इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और एक्सेप्ट कराने के बाद ऑल्ट सी कर लीजिएगा, और ऑल्ट सी करके यहां पर क्या करना है, आपको स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। तो पहला जो स्टॉक आइटम है वो हम बनाएंगे पाइथन बुक, ठीक है। तो ये पाइथन और बुक कर देते हैं आगे, और पाइथन के एक बुक की खरीद रेट, अब देखिए यहां पर आपको बनाना है यूनिट, तो यहाँ अल्ट सी करके यूनिट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम NOS बना रहे हैं, NOS सिंबल है जिसका मतलब होता है नंबर्स, तो यहाँ फॉर्मल नेम भी हम दिखा देते हैं नंबर्स, और क्वांटिटी में NOS टाइप कीजिएगा, तो यहाँ नंबर्स आपको UQC कोड आपको दिख जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप खरीदेंगे तो 3.5, 4, 5.5 किताब खरीदेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखा, और एंटर किया। एंटर किया, यहाँ पे बैचेस की डिटेल को आप चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, फिलहाल हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है। और यहाँ पे अलग से GST सेट करना हो तो यहाँ से जा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बाय डिफॉल्ट 12% सेट किया था, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि 5% लगे, तो यहाँ 5 कर दिया है, और 2.5% के हिसाब से CGST SGST में ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 50 किताब हम परचेस कर रहे हैं, 50 बुक पाइथन की परचेस कर रहे हैं, और एक की खरीद रेट हमें पड़ रही है 570 रुपए। तो जाहिर सी बात है कि बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, और बाकी यहाँ पे आएगा CGST SGST का लेजर। तो ये हो गया CGST, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे इसका ग्रुप क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप होता है, ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल राउंडिंग होगा, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे SGST की बात करते हैं, तो ये हो गया SGST, और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये भी GST, और ये भी क्या रहेगा, स्टेट टैक्स रहेगा, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखिए CGST SGST बराबर बराबर ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे चाहे तो नरेशन दे सकते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो ये लिख दिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे, बाहर आएंगे दो बार डी प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये परचेज वाला आपका बिल जो है इस तरीके से नजर आएगा। अल्ट पी करके और आई बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा, देखिए ये इस नाम से इस तरीके से ये दिख रहा है, ये आपका बिल है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब लेजर वाली समस्या पर बात कर लेते हैं। अब यहां पर आपको लेजर वाली समस्या आएगी, ठीक है। अब क्या समस्या आएगी, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आप सीधा चले जाएंगे लेजर को डिलीट करने, जैसे आपने क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाया, ठीक है, और वो किस नाम से बनाया है, रितेश होलसेलर, अब यहां से अल्ट डी करेंगे आप, तो ये डिलीट नहीं होगा। कारण क्या है ना डिलीट होने का, क्योंकि आपने इसका एक
एंट्री में यूज कर लिया है, ठीक है, इसी वजह से ये डिलीट नहीं होगा। तो जब डिलीट करना होगा तो उस एंट्री को आप पहले डिलीट कीजिए, फिर आप इस लेजर को डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप जैसे मान लीजिए कि एसजीएसटी को डिलीट करना चाहेंगे तो यहां पर भी सेम चीज लागू होता है, सेम फंडा लागू होता है कि यहां पर ऑल्ट बी करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। कारण क्या है कि एंट्री में यूज कर लिया, और उस एंट्री को जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। अब जैसे बहुत सारी एंट्रीज आप कर देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ऑल्ट एफ टू करते हैं और पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हम चेक कर सकते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक कितनी एंट्रीज करी है मैंने, ये पता करना चाहते हैं। तो यहां पर आप चेंज करिएगा तो वो सारी एंट्रीज आपको नजर आएंगी। तो दो बार डी प्रेस कीजिए, देखिए मैंने दो ही एंट्री करी है, अभी अभी शुरू किया है काम करना, तो मेरा दोनों एंट्री दिखा रहा है। तो अगर आप इसको डिलीट कर देंगे, अब देखिए कैपिटल अकाउंट का भी लेजर डिलीट नहीं होगा। देखिए यहां पर एक ही एंट्री हुई है कैपिटल अकाउंट की, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट अगर आप डिलीट करने जाएंगे तो ये भी तो डिलीट नहीं होगा, कैपिटल भी डिलीट नहीं होगा। तो देखिए यहां पर अल्ट डी कीजिए, अल्ट डी करने से ये डिलीट नहीं हो रहा, देखिए नहीं डिलीट होगा। तो यही कारण है डिलीट ना होने के पीछे। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी कि लेजर क्यों नहीं डिलीट होता है। अगर आप उस एंट्री को डिलीट कर देंगे तो ये लेजर अपने आप डिलीट होगा। देखिए कैसे, पहले तो इससे बाहर आ जाते हैं और उस एंट्री को डिलीट करते हो। तो एंट्री को डिलीट करने के लिए दो बार डी प्रेस करना है। अब जैसे मान लीजिए ये रिसिप्ट वाउचर वाली जो एंट्री हमने करी थी, इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं अल्ट डी करके, देखिए ये अल्ट डी कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, तो ये डिलीट हो गया। तो अब अगर कैपिटल का आप लेजर डिलीट करने जाएंगे तो वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। देखिए कैसे, अल्टर पे चलते हैं डिलीट करने के लिए, ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, और यहाँ पे अल्टर पे जाके अब कैपिटल का लेजर डिलीट करना है। देखिए कैपिटल पे गए, अल्ट डी किया, अब देखिए ये डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। फिलहाल मैं अब इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो अल्ट डी करके एंटर कर देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया, लेकिन अगर परचेज को डिलीट करने जाएंगे तो कहां से डिलीट होगा, ये तो यूज हो चुका है। तो अगर उस एंट्री को डिलीट कर देते हैं आप, बात फिर वही है कि अगर इस एंट्री को अगर आपने डिलीट कर दिया तो सारे लेजर सब डिलीट हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहां पर आते हैं और फिर अल्टर पे आते हैं, ठीक है। तो अब परचेज का डिलीट करना है तो यहां से डिलीट कीजिए परचेज, देखिए डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अल्ट डी कीजिए, एंटर कीजिए, देखिए डिलीट हो रहा है ना, तो डिलीट हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।